बिलासपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में SBI बैंक सहित अन्य विभिन्न बैंकों में केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर व होर्डिंग आदर्श आचार संहिता के दौरान शोभायमान भी है। जिला बिलासपुर में आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकतर मामलों में जब उत्तरदायी अधिकारियों से इस संदर्भ में पूछा जाता है तो अक्सर कभी अनभिज्ञता जताई जाती है, फिर उसके उपरांत कार्रवाई की बात की जाती है। वास्तव में ये मामला बिलासपुर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उपक्रमों की बैंक शाखाओं का है, जिनमें आचार संहिता लगने के उपरांत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋण से संबंधित योजनाओं के बैनर व होर्डिंग सरेआम लगे हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक आचार संहिता के दायरे में नहीं आते हैं। बैंकों में सुबह से सायंकाल तक आम जनता को विभिन्न प्रकार के अपने निजी कार्यों के संदर्भ में जाना पड़ता है। क्या केंद्र सरकार की ऋण योजनाओं व प्रधानमंत्री के बैनरों से मतदाता प्रभावित नहीं होंगे? इसके अलावा प्रश्न यह उठता है कि नियमानुसार जब सार्वजनिक स्थानों के ऊपर से राज्य व केंद्र सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं के बैनर व पोस्टर हटा दिए गए हैं या हटाए जा रहे हैं तो क्या बैंक कार्यालय सार्वजनिक श्रेणी में नहीं आते हैं? कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बंबर ठाकुर ने प्रशासन से अपील की है कि जिन स्थानों पर प्रधानमंत्री की स्कीमों के होर्डिंग लगे हुए हैं उन्हें तुरंत हटाया जाए। बंबर ठाकुर ने बताया कि ये सरेआम चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बिलासपुर SDM व चुनाव अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन फिर भी होर्डिंग नहीं हटाई जा रही है, जिसे प्रशासन की बड़ी गलती समझी जा सकती है। आज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास खड़ा हूं। आप यहां पे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा जो स्कीमें चलाई गई हैं, मुद्रा योजना, ऐसे ऐसे बोर्ड जो है यहाँ पे लगे हैं, और SDM बिलासपुर को भी इसके बारे में अवगत कराया गया, लेकिन उनके कान में कोई जूं नहीं रही। इसलिए मैं जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी माननीय DC साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे अफसरों को जिनको अवगत भी कराया गया वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, उनके ऊपर आप कार्रवाई करें और ये जो बोर्ड यहाँ पे लगे हैं उनको तुरंत हटाएं।